हम आज जानना चाहते हैं कि फिजिक्स क्या है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स पढ़ाना है। फिजिक्स, व्हाट डू मीन फिजिक्स? आपको बताया था ना पहले, फिजिक्स माने भौतिक। भौतिक विज्ञान क्या है दोस्तों? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक क्या है? जो भी हम चलते हैं, घूमते हैं, कुछ भी अगर हम करते हैं, वो सब फिजिक्स के अंदर आता है, भौतिक विज्ञान के अंदर आता है। आपको मैंने पहले भी बताया था। तो दोस्तों, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है गति। लगभग कुछ नहीं तो आपके ये जो मैं मोशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, गति चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये कॉम्पिटिशन के लिए तो है ही, इंपॉर्टेंट है ही। कॉम्पिटिशन के जितने भी सवाल आते हैं, ज्यादातर फिजिक्स के यदि सवाल आते हैं तो मोशन के अंदर से आते हैं। तो मोशन के अंदर से ये सवाल जवाब आपके हम बूझे जाएंगे, उससे ज्यादा अगर आप कोई बच्चा नाइन्थ में है, कोई ट्वेल्थ में है, इलेवंथ में है, या एवन जहां भी उसकी क्लास है, जो गति से रिलेटेड पढ़ना चाहता है, वो चैप्टर बहुत स्टार्टिंग से जीरो से लेकर चलूंगा दोस्तों, और जहां तक मुझे ये चैप्टर ले जाना है विद न्यूमेरिकल सब फॉर्मूलाज के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहना। तो आज हम भौतिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है गति, मोशन। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने कुछ लिखा है कि भौतिक अवस्थाएं। तो गति को पढ़ने से, गति क्या है, अगर हम गति का मतलब समझते हैं, गति है क्या? देखो, किसी भी चीज की दो भौतिक अवस्थाएं होती हैं। भौतिक, भौतिक का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो है हमारी भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो कोई भी, यदि हमारे आसपास कोई भी चीज है, वो हमेशा, क्लियर हो पा रहा ना, हमारे पास आसपास कोई भी ऐसी चीज है ना, वो हमेशा दो अवस्थाओं में होती है, उसकी भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाओं का मतलब फिजिकल स्टेट, जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट कर पा रहा है, जिस स्टेट में वो अपने आप को रेस्ट, मतलब अपने आप को यूनिफॉर्म इस अर्थ पर कर पा रहा है, वो सब हमारी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, फिजिकल स्टेट होती है। और फिजिकल स्टेट दोस्तों दो प्रकार से होती है। वो कोई भी चीज, यदि हम हैं, हाथ चला रहे हैं, तो हम मोशन कर रहे हैं। कुछ आपका मोबाइल है, आपने हाथ में कॉन्स्टेंट तरीके से पकड़ा हुआ है, तो वो रेस्ट में है। तो जो चीज रेस्ट में हो, कुछ तो रेस्ट में होती है और कुछ मोशन में होती है। दो चीज होती है, भौतिक अवस्थाएं सिर्फ दो होती हैं, एक तो हमारा रेस्ट है और दोस्तों दूसरा हमारा गतिज अवस्था, मतलब मोशन है। या तो कोई रेस्ट में रहेगी या कोई मोशन करेगी। रेस्ट मतलब, रेस्ट माने वो अपनी एक जगह, चेयर हमारी रखी रहती है, एक जगह रखी है, एक ही जगह रखी है, तो वो हमारी रेस्ट है। लेकिन रेस्ट यानी विश्राम अवस्था, वो विश्राम कर रही है। लेकिन जो भी चीज अपनी स्टेट को चेंज कर रही है एक जगह से, मतलब ये हमारा मार्कर देख रहे हैं आप, क्लियर हो रहा, ये मार्कर यहां से यदि यहां आ गया, तो इसका मतलब यहां से मोशन करके यहां आ गया, ये मोशन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? मोशन। तो आप क्लियर समझिए, क्लियर विजुअल ये है, मतलब कि फिजिकल स्टेट से ही मोशन आया है। फिजिकल स्टेट का मतलब या तो कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी, या तो कोई एक जगह रहेगी और दूसरी अपनी स्टेट को चेंज करेगी, और जो स्टेट अपनी स्टेट को चेंज कर रही है दोस्तों, वही है हमारा मोशन। आज इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों? हमारे विश्राम अवस्था और गति अवस्था के बारे में। तो विश्राम अवस्था तो यही होती है बेटा दोस्तों, कि विश्राम अवस्था कोई बॉडी रेस्ट में रहती है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। दूसरी गतिज अवस्था, अब हमारी स्टार्ट होती है यहां से गतिज अवस्था। गतिज अवस्था माने मोशन। मोशन क्या है, मतलब कोई बॉडी चल रही है तो मोशन क्या होता है? तो मोशन, अब एक तो एक समान गति करता है या असमान गति करता। अब मोशन के बारे में थोड़ा इस डिटेल समझेंगे, मोशन है क्या। यहां तक क्लियर हुआ कि फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाएं हमारी दो होती है, विश्राम अवस्था या गतिज अवस्था। विश्राम अवस्था कोई चीज रेस्ट में है और एक जगह कॉन्स्टेंट रहती है तो गतिज अवस्था है, सॉरी विश्राम अवस्था है, और दूसरी जो अपनी स्टेट को चेंज कर पा रही है वो गतिज अवस्था है। अंडरस्टैंड? आगे चले, मैं रफ कर देता हूं इसे। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं मोशन क्या है, मैं इसे रफ कर लेता हूं, अगर आप नोट डाउन कर लेना इसको। हाँ, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे गति। क्या पढ़ेंगे? एक मिनट, मैं अभी चेक चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा।
गति, मोशन, मोशन। देखो ये सिर्फ क्लियर वर्ड, देखो आप अगर इन्हें रटने की कोशिश करोगे तो आप याद नहीं कर सकते। ये कुछ क्वेश्चंस मैं देखता हूँ जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं वो जनरली क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं और क्वेश्चन पहले क्वेश्चन तो उनको रटने की कोशिश करते हैं, रटने से बहुत कम याद होता है। अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आपने बहुत पहले सुना होगा एक बहुत अच्छा दोहा है कि करत करत अभ्यास करत जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। मतलब एक रस्सी भी यदि बार बार किसी चीज एक पत्थर पर आती है तो वो पत्थर पर निशान बना सकती है। दोस्तों किसी भी चीज़ को यदि समझने की कोशिश करनी है, आप उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो दावा है दोस्तों वो समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हम इसी तरह हमें आपको जीरो से गति सोचना है। गति वर्ड आया कहाँ से, मोशन कहाँ से आया है? तो दोस्तों मोशन आया है, गति जो है हमने अभी कहा था कि कोई एक बॉडी है, ये बॉडी मान लीजिए बॉडी है, ये रेस्ट में है, एक जगह रखिए, बाइक आपकी खड़ी है वो रेस्ट में है, लेकिन यदि आपने किक मार के उसे स्टार्ट करा चलाया वो यहां से यहां आ गई, कहां गई दोस्तों, यहां आ गई। विश्राम अवस्था में थी कोई बॉडी, विश्राम अवस्था में थी मान लीजिए, यहां ए पॉइंट पर थी, एक रेफरेंस पॉइंट है, किसका बिंदु है, एक ए बिंदु पर थी और पहुंच कहां गई, यहां। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो कि ये यहां से, ये यहां से यहां गई है, तो मतलब ए बिंदु से बी बिंदु पर ये जो बाइक है इन्होंने, इसने मोशन किया है यहां से यहां। मतलब कहने का क्लियर है ये कि जो बॉडी अपनी अपनी स्टेट को चेंज कर देती है, जो बॉडी यहां से वहां पहुंच जाती है वो मोशन करती है, वो गति करती है। इस बाइक ने यहां से वहां जाकर के मोशन किया दोस्तों, गति की है। तो ये यहां से ए से बी तक गई, कहां गई, बी तक गई, तो इसने मोशन किया है। अब मोशन के अंदर भी कुछ हमें टर्म्स पढ़नी होती हैं जिस पर ज़्यादा ज़्यादा सवाल बन जाते हैं। जैसे हमने गति पढ़ा, गति तो हम गति को एक सिंपल वर्डों में कह देते हैं, कह सकते हैं कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है? मतलब कि ये बॉडी यहां थी और यहां से यहां पहुंच गई, तो इसका मतलब इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, और अवस्था में परिवर्तन होना ही हमारा कहलाता है क्या, मोशन, गति। क्लियर हो पा रहा दोस्तों, समझ में आ रहा ना? तो अब हम इसके अंदर कुछ और वर्ड्स पढ़ने हैं। गति के अंदर भी बहुत से वर्ड्स आते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, जिसपे सवाल आते हैं। आगे चलें, यहां तक क्लियर हुआ ना? इसे मैं रफ कर देता हूं क्योंकि तो आपके, अब गति में हमें क्या पढ़ने हैं, एक तो पढ़ते हैं हम, एक तो हम पढ़ते हैं डिस्टेंस, क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, दूरी पढ़ते हैं, डिस्टेंस पढ़ते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं विस्थापन, क्या कहते हैं, विस्थापन, क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन, ठीक है। तीसरा हमारा होता है डिस्टेंस, समझ में आए कि डिस्प्लेसमेंट। अगला है हमारा, इसे कहते हैं स्पीड पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, स्पीड, ठीक है, स्पीड को कहते हैं दूरी, स्पीड को क्या कहते हैं दोस्तों, दूरी कहते हैं, है ना, स्पीड को क्या कहते हैं, दूरी। और हम इसके बाद पढ़ते हैं इसमें वेलोसिटी, वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी को वेग, क्या कहते हैं दोस्तों, वेलोसिटी, थोड़ा दूरी, और दोस्तों इसे कहते हैं वेग, क्या कहते हैं दोस्तों, वेग। तो हमें वर्ड समझने हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और हमारे
वेग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ दूरी और डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या समझते हैं कि जो है ये सबसे पहले डिस्टेंस समझेंगे। आज हम इस क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर करेंगे और स्पीड को भी क्लियर करेंगे। उसके बाद हमें इसमें एक्सेलरेशन भी पढ़ना होता है दोस्तों। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण, त्वरण। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ें। ठीक है चलते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस समझेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। यदि हम डिस्टेंस समझ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमें खुद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज़ एक दूसरे से रिलेट हैं, बहुत ज़्यादा रिलेट हैं ये एक दूसरे से। ठीक है दोस्तों, हाँ ये हमने रफ कर दिया। सबसे पहले हम तो ये रफ आपने नोट डाउन कर लिया हो, लेकिन हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दूरी। ठीक है दोस्तों, दूरी हमारी इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? देखो मैंने कहा था कि मोशन क्या है, गति क्या है, जब एक बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन को छोड़कर मोशन करना स्टार्ट कर देती है, जब कोई वस्तु अपनी विश्राम अवस्था को त्याग कर गति करना प्रारंभ करती है तो वो हमारी गति कहलाती है। वो अपनी अवस्था को बदलाव करती है, उसे ही हम गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गति कहते हैं। तो हमारा अब ये हमने कहा था कि ये बॉडी यहाँ थी, रेस्ट में थी। ये बॉडी कहाँ थी? रेस्ट में थी दोस्तों। अब ये रेस्ट से चल करके कहाँ पहुँच गई? एक पॉइंट पर पहुँच गई। ये पॉइंट ए पर थी, ए पर दोस्तों, ये हमारी बी पर थी। कहाँ पहुँच गई? एक से बी में। बस डिस्टेंस यही है जो हमने जो जो किसी बॉडी ने अपने अब ए पॉइंट से एक इनिशियल पोजीशन से, इसे ए को इनिशियल पोजीशन बोल देते हैं, इनिशियल पोजीशन। प्रारंभिक प्रारंभिक अवस्था। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा है बी, हमारा फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन को कहते हैं अंतिम बिंदु, अंतिम तक। ठीक है, अब इनिशियल से अब कोई बॉडी इनिशियल से फाइनल तक जितना भी पाथ कवर्ड किया है, उस पाथ मैंने पथ उस पथ पर जितना भी चली है, यानी कि उस बॉडी ने दूरी तय की है, मतलब कि यहाँ से बॉडी यहाँ गई है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हमारी दूरी हुई। क्या हुई? दूरी हुई, क्या हुई? दूरी। ठीक है, पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन। तो ये जो बीच का पाथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारी दूरी हुई, डिस्टेंस हुई। ये सपोज आप मान सकते हैं कि आप बाइक को अपने घर से अपने विद्यालय तक लेके गए, अपने स्कूल घर से अपने स्कूल तक अपनी बाइक को लेकर गए। ये मानिए, मान लीजिए आप कि आपका स्कूल आपके घर से लगभग 2 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है दोस्तों? 2 किलोमीटर। ये हमारा घर हो गया, ये हमारा स्कूल हो गया, तो 2 किलोमीटर हमारा। तो ये बीच में जो पाथ था ना, इसे कहते हैं डिस्टेंस, इसे कहते हैं दूरी। दूरी क्या हुआ दोस्तों? हमारी जो हमारे घर से लेकर के हमारे
स्कूल तक के बीच का जो पाथ है जिस पर बाइक हमारी चली है उसको मेजरमेंट करने के लिए एक टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है दूरी। क्लियर हुआ? दूरी समझ में आया? ये हमारी दूरी हो गई। तो दोस्तों अब हम दूरी समझ में आया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी पाथ ट्रेवल किया है वो हमारी डिस्टेंस होती है। प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था के बीच भी बीच में जितना भी हम चले हैं, जितना भी हमने पाथ कवर्ड किया है वो हमारी दूरी हुई। और दूरी को हम डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस। किसे करते हैं? दूरी को डी से। क्लियर हो रहा दोस्तों? डिस्टेंस समझ में आया। अब हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात। किसकी बात करेंगे? इनिशियल फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब यहीं से हम क्लियर करते हैं कि दूरी के साथ साथ हम डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे ही पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ते हैं देखो, यहां थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। अब क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है दोस्तों? विस्थापन। एक मिनट टाइम देख लियो। विस्थापन, ठीक है। विस्थापन क्या है? हमने जिस तरह दूरी को पढ़ा है उसी तरह हम पढ़ेंगे विस्थापन क्या है। विस्थापन के लिए देखो, अगर आपके दूरी क्लियर हुआ है तो विस्थापन क्या होगा? इनिशियल से फाइनल पहुंचेंगे, वो दूरी होगी हमारी। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट फोर का फॉर्मूला होता ये एक्स टू माइनस एक्स वन। मतलब कि कोई भी अगर हम डिस्प्लेसमेंट किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो वो हमेशा पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो पाथ पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस हमारी दूरी जो है वो पाथ पर मतलब यहाँ पाथ माने रास्ते पर डिपेंड करता है कि कितनी दूर गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पर डिपेंडेंट नहीं करता। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, वो कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो कभी भी पाथ पर निर्भर नहीं होता, वो हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड होता है। जो हमारी अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था होती है वो हमेशा उसी पर निर्भर करता है, ना कि हमारे पाथ पर डिपेंड करता है। क्लियर हो पा रही है ना बात मेरी? तो हमारा जो विस्थापन है, अब ये सपोज करो कि किसी ये बॉडी यहां से यहां गई, इसके बीच की दूरी 2 किलोमीटर थी। कितनी थी? 2 किलोमीटर थी। तो इसकी दोस्तों विस्थापन भी 2 किलोमीटर होगा। विस्थापन भी क्या होगा? 2 किलोमीटर होगा। इसका विस्थापन भी 2 किलोमीटर होगा। अगर ये बॉडी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आती है, अगर वो फाइनल से पहुंचकर वापस इनिशियल पर आती है, अंतिम अवस्था से वो वापस प्रारंभिक अवस्था पर आती है, तो दूरी तो 4 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन दोस्तों विस्थापन 0 हो जाएगा। बस यही हमें समझना है। फिर मैं एक बार बता रहा हूं इनिशियल फाइनल पोजीशन को एक्सप्लेन कर करके, कि एक चीज को क्लियर करते चलोगे, अभी समझते चलोगे तो दोस्तों समझ में आएगा, नहीं तो फिर आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाले वर्ड हैं। डिस्टेंस तो हमारी ये हमारी हो गई, एक एक पॉइंट हम ले लेते हैं, पॉइंट हो गया, और यहां से ये पॉइंट ये तो बी हो गया, तो ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया। हमें इसे एक्स वन मान सकते हैं, इसे एक्स टू पोजिशन मान सकते हैं, इसे इनिशियल कह सकते हैं, इसे फाइनल कह सकते हैं, इसे प्रारंभिक बिंदु कह सकते हैं, इसे अंतिम बिंदु कह सकते हैं। तो ये इनिशियल से फाइनल पर जाती है, इनिशियल से फाइनल पर जाती है। तो अब दोस्तों क्या करते हैं, जब वो बॉडी इनिशियल से फाइनल की तरफ जाती है तो ये दूरी जो बीच की है, ये दूरी हो गई ना दोस्तों, अभी बताया था आपको, समझ रहे हो ना? ये मान लीजिए 2 किलोमीटर है। कितनी है? और ये अगर क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही बना देता हूं इसे, अब आप क्वेश्चन के हिसाब समझ जाएंगे
कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक बॉडी है जो ए से बी तक गई है और ए से बी के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, ए से बी के बीच की दूरी 2 किलोमीटर होती है, तो आप बताओ वो बॉडी वापस भी आई है, मतलब कि वो बॉडी वापस आई है, तो अब इसकी डिस्टेंस बताएं, दूरी बताएं और विस्थापन बताएं, डिस्प्लेसमेंट बताएं, क्या बताएं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। अब हम बताएंगे इसका विस्थापन भी बताएंगे, तो कैसे बताएंगे विस्थापन, देखो दूरी तो इसकी 2 किलोमीटर तो ये होगी बेटा, देखो 2 किलोमीटर ये होगी जो ये गया है और 2 किलोमीटर जो वापस वही पोजीशन पर आया है, तो ये हमारी 4 किलोमीटर तो दूरी हो गई है, डिस्टेंस हो गई है। लेकिन विस्थापन जो हमारा है वो x2 माइनस x1 पर डिपेंड करता है कि 2 किलोमीटर तो वो x से गया और 2 किलोमीटर वापस आया, तो माइनस बराबर 2 बराबर सॉरी x2 माइनस x1 हो गया, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर हुआ? क्योंकि विस्थापन मैंने कहा था अगर गया एक ही पोजीशन इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पर डिपेंड करता है, और हमारी दूरी हमारे पाथ पर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर हो रहा है? यहाँ समझ में आ रही है बात? इसके बाद हमने अभी आपको डिस्प्लेसमेंट समझाया, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मैंने आपको एक करके दिखाया है, आप उस क्वेश्चन को बार बार देखेंगे, कहीं डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो आप कहेंगे उस डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आप मुझे बताते रहना। तो हमने अब विस्थापन पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिस पर क्वेश्चन आता है, वो हमारा है स्पीड। क्या दोस्तों? स्पीड क्या है? क्या पढ़ेंगे? स्पीड पढ़ेंगे दोस्तों, स्पीड पढ़ते हैं, कमेंट ले लेते हैं किसी के अगर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ठीक है, स्पीड क्या है दोस्तों? स्पीड क्या है? स्पीड को हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। तो स्पीड कैसे पता चलेगी? इसी के साथ आज हम क्लास को ऑफ करेंगे, हम स्पीड समझ के उसके क्वेश्चन कर करके आज क्लास ऑफ करेंगे, या आज आपको स्पीड क्लियर समझानी चाहिए कि स्पीड क्या है, चाल होती क्या है। दोस्तों चाल, अब एक बाइक है, इसका चाल का सूत्र मैं बता देता हूं, उसके बाद सवाल ही इसके हमें समझने हैं। चाल क्या है? देखो पहले समझ लीजिए चाल क्या है। मैंने कहा कि कोई बॉडी यहां है और उसे आप जो है बी तक ले गए, ए से हम बी तक ले गए हैं, कहां ले गए? ए से बी तक दोस्तों हम ले गए हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इसके बीच की दूरी कितनी है? हाँ जी, ये लीजिए आप 2 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है, हमारी दूरी होगी। अब हमसे कहा कि दोस्तों कोई बाइक है जो हमारी एक बाइक, हमने सपोज करो अपने घर से स्कूल की तरफ हम बाइक से गए, तो हमसे हमारे किसी ने हमसे पूछा कि बताओ कि आपके बाइक की स्पीड क्या थी। आप स्पीडोमीटर में देख के तो बता सकते हैं, लेकिन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारी बाइक की स्पीड क्या थी? क्योंकि दूरी चाल क्या है? जिस स्पीड से हम स्पीड वही चाल स्पीड एक ही बात है, तो लेकिन स्पीड को हम फाइंड कैसे करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं? दोस्तों हम करते हैं स्पीड के लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, वो है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, चलिए बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम कहते हैं कि कोई बॉडी ए से बी गई है, उसके बीच की दूरी 2 किलोमीटर, हमसे उससे पूछेंगे, अगर हमें आप हमसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी बाइक कितनी स्पीड से आई है, तो पहले आप बताओ कहाँ से आए थे, वो बोलेगा कि 2 किलोमीटर से मैं आया था,
तो हम पूछेंगे समय कितना लगा, वो बोलेगा ये इस 2 किलोमीटर को 2 मिनट ही लगी, मतलब 2 किलोमीटर में 2 मिनट लगी हैं हमें, कितने लगी हैं 2 मिनट, 2 किलोमीटर में 2 मिनट लगी हैं हमें, तो हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड के लिए फॉर्मूला बता दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम इसमें वैल्यू रखेंगे, डिस्टेंस हमें दे रखी 2 किलोमीटर, तो अब हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 1000, ठीक है, 2 × 1000, हाँ 2 × 1000 करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी, इसमें थोड़ा देखते हैं, 1 मिनट रुको, इसमें अभी हम डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, पहले हमें पता चले अब इसके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, कितनी बेटा 2 मीटर, और क्लियर करने में कितने मिनट लगी, 2 4 मिनट हमें, मान लीजिए कि डिस्टेंस हमारी 20 मीटर थी, कितनी थी 20 मीटर थी, और टाइम लगा, टाइम मैनेजमेंट के तरह टाइम हमें हुआ लगभग 2 मिनट, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, अब वैल्यू वैल्यू को जो हमें बताया इवोल्यूशन, क्योंकि मिनट में यदि हम दूरी को यदि मिनट में, देखो किलोमीटर और मीटर, मीटर उसकी यूनिट होती है टाइम की, हावर्स नहीं, सेकंड ली जाएगी, तो यदि हमने सेकंड ली, 2 सेकंड हमें लगी हैं, तो हम वैल्यू अच्छी से पुट करेंगे तो डेफिनेटली आंसर आपका आ जाएगा, तो हम कह रहे हैं 2 किलोमीटर कितना, 20 मीटर में 2 सेकंड लगी, कितनी सेकंड लगी 2, ठीक है। अब हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है हमारी 2 20 मीटर, ठीक है, और टाइम 2 सेकंड, हमने 10 आ गया, तो मतलब 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप आए हो, ये हमारा आंसर हुआ। तो हमारी स्पीड क्या हुई, चाल क्या हुई, चाल का मैंने बताया, चाल हमारी बाइक कितनी स्पीड से गई थी, स्पीडोमीटर से ही चेक नहीं कर सकते, हमसे कोई पूछने लगा कि आप बताओ कि कितनी स्पीड से गई, तो दोस्तों हम कैसे बताएंगे, उसके लिए हमने एक सूत्र बताया आपको कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो अब हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सूत्र आप याद रखेंगे, इसके बाद हम इसकी क्वांटिटीज के बारे में बताएंगे, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट माने मात्रक क्या है इसका, वो मात्रक है दोस्तों मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है, मीटर पर सेकंड इनवर्स। अब हमने इसकी जो है, हाँ मीटर पर सेकंड इनवर्स हो गया दोस्तों, हमने इसकी स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया दूरी बटा समय, दूरी बटा समय दोस्तों, दूरी बटा समय, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, और स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लगाएं। कोई भी सवाल आपका होता है तो आप इस कर सकते हो, इतना समझ में आया। इसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, आपको किस भी टॉपिक में अगर फिजिक्स में दिक्कत आ रही है हम उसे भी पढ़ाएंगे, लेकिन रेगुलर हम अपना सीक्वेंस आपके पास भेज देंगे, आप उसे मैच कर लेना और हमारी क्लास चलेंगी। मैं 0 से लेकर चलूँगा दोस्तों, ध्यान देना, मैं 0 से हाई तक लेकर चलूँगा, जहाँ तक फिजिक्स को लेकर जाना है, मैं 1 बाई 1 1 1 चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको, और चैप्टर को 0 से लेकर हाई तक ले जाना मेरा काम है। आप साथ बने रहेंगे, साथ आपके आप प्यार देते रहेंगे, इसे शेयर करते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, और हम पढ़ाने में थोड़ा सा ज़्यादा आएंगे तो हमें अच्छा लगता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, मैं आपके कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक, मैं कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ, मैं आपकी वीडियो के ज़रूर देखूँ, आपके आप मेरे लिए क्या भेजते हैं दोस्तों। बस ये आज का टॉपिक है, आपके कोई डाउट हो तो आप लिख के मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।